हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके टेक्स फॉरएवर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सुपर लेटर्स ऑफ वर्ड, दैट इज हाईएस्ट, लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट, बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। तो ट्रिक्स काफी इंटरेस्टिंग है, तो आप वीडियो को एंड तक देखिए, आपको बहुत मजे आएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। व्हिच इज द टॉलेस्ट एनिमल ऑन लैंड इन द वर्ल्ड? ये तो सबको पता है, जिराफ। इसमें ट्रिक बनाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, Which is the biggest bell in the world? देखिए, big bell, big bell जब आपके स्कूल में जब big bell बजता है, बजता था, तो क्या होता था? Sir, देखिए ऐसे वर्ड है sir, sir, चले जाते थे क्लास से। जब भी big bell बजता था तो sir क्लास से चले जाते थे। और ये biggest bell आपने काउ के गले में लटका हुआ देखा होगा, काउ। तो काउ वर्ड है मॉस्को में। देखिए मॉस्को में वर्ड है काउ, क्योंकि सार बेल है मॉस्को में। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रखेंगे, बिगेस्ट बेल, सार बेल, मॉस्को में। व्हिच इज द बिगेस्ट बेल इन द वर्ल्ड? सार बेल, मॉस्को। व्हिच इज द फास्टेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड? देखिए, अगर आप फास्ट दौड़ना चाहते तो आपको क्या खाना पड़ेगा? फ्रूट खाना पड़ेगा, है ना, फल खाना पड़ेगा, प्रोटीन लेना पड़ेगा। लेकिन बर्ड के पास क्या ऑप्शन है? फल ही खा सकती है, और क्या है, पेड़ से तोड़ के फल खा सकती है। तो फास्टेस्ट दौड़ने के लिए उसको पेड़ से फल तोड़ के खाना पड़ेगा। व्हिच इज द फास्टेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड? पेरिग्रीन फाल्कन। व्हिच इज द लार्जेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड? देखिए, अगर कोई इंसान बहुत लार्जेस्ट साइज का, बहुत बड़ा साइज का, तो उसके लिए रेडीमेड कपड़ा नहीं मिलता, उसके लिए क्या करना पड़ता है? कपड़ा स्टिच करना पड़ता है। उसी तरह से अगर बर्ड लार्जेस्ट साइज की है, तो उसके लिए भी क्या करना पड़ेगा? कपड़ा स्टिच करना पड़ेगा। तो व्हिच इज द लार्जेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड? ऑस्ट्रिच। व्हिच इज द स्मॉलेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड? देखिए, स्मॉलेस्ट बर्ड, छोटी सी बर्ड, बहुत क्यूट लगती है, सब क्या सोचते हैं, हम भी एक बर्ड रखेंगे। ठीक है, व्हिच इज द स्मॉलेस्ट बर्ड? स्मॉलेस्ट बर्ड बहुत क्यूट होती है, तो सब बोलते हैं यार हम भी एक बर्ड रखेंगे, स्मॉल बर्ड रखेंगे। तो व्हिच इज द स्मॉलेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड? बी, हमिंग बर्ड। नेक्स्ट, व्हिच इज द लॉन्गेस्ट रेलवे ब्रिज इन द वर्ल्ड? देखिए, हम जहां भी आपको वर्ड लॉन्ग मिले ना, उसका एन हटा दीजिए और कर दीजिए लोग। ठीक है, लॉन्ग को लोग बढ़िया, क्योंकि सारा ट्रिक अब देखिए इससे बनाया लोग। लॉन्गेस्ट रेलवे ब्रिज, तो लोग ब्राइड, यहां से वर्ड बन जाए आपका ब्राइड, जी कट कर दीजिए, ब्राइड। लोग ब्राइड के लिए वे रास्ता, वे क्यों बनाते हैं? उसकी ग्रैंड एंट्री के लिए, जब भी ब्राइड आती है तो लोग उसके लिए वे क्यू बनाते हैं, उसके ग्रैंड एंट्री के लिए क्यू, यहाँ पे वर्ड आपको क्यू भी मिल जाएगा। तो व्हिच इज द लॉन्गेस्ट रेलवे ब्रिज इन द वर्ल्ड? डैंगयक पुनशन ग्रैंड ब्रिज। और ये है आपका, देखिए इसका भी एक ट्रिक है, अगेन लोग राय बरी बरी, यहाँ से बरी वर्ड है, लोग बरी बरी राय कब देते हैं? चाय पे चर्चा होता है ना, चाय पे चर्चा, तो वहीं पे बरी बरी राय देते हैं चाय पे। तो चाय से याद रखिए आप चाइना, ठीक है, चाय से चाइना। लोग बरी बरी राय कब देते हैं? चाय पे चाइना। ठीक है, डैंगयांग कुनशन ग्रैंड ब्रिज है चाइना में। इज द लॉन्गेस्ट रेलवे ब्रिज इन द वर्ल्ड? डैंगयांग कुनशन ग्रैंड ब्रिज चाइना। नेक्स्ट है, व्हिच इज द हाईएस्ट सिटी इन द वर्ल्ड? देखिए, हाय, आपका कोई फ्रेंड आता है क्या बोलते हैं? हाय कम सिट। ठीक है, हाय कम सिट। और फिर अगर उसे कहीं निकलना होता तो आप क्या पूछते हैं उससे? व्हेन, जुआन का कर दीजिए जाना, व्हेन जाना है, कब निकलना है, हाय सिट व्हेन, व्हेन जाना है। फिर आप उससे क्या पूछोगे? कुछ चाय कॉफी लोगे? ठीक है, तो चाय से आप अगेन कर दीजिए चाइना, क्योंकि व्हेन जुआन है चाइना में। ठीक है, हाय कम सिट, व्हेन जाना है, कब जाना है, कब निकलना है, चाय कॉफी कुछ लोगे, ऐसा पूछते हो अपने फ्रेंड से। व्हिच इज द हाईएस्ट सिटी इन द वर्ल्ड? व्हेन जुआन चाइना। नेक्स्ट, व्हिच इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सिटी इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन? देखिए, अगेन लार्जेस्ट में आप हमेशा वर्ड याद रखिए लर, लरना। ठीक है, लॉन्गेस्ट का एन हटा के लोग कर दीजिए, तो
कोई अगर लड़ने के लिए सिट करे, सिट मतलब बैठना, कोई अगर लड़ने के लिए सिट करे तो उसे टोको ही मत, टोको यहाँ से वर्ड बना सकते हैं, टोको टोको ही मत, टोकोगे नहीं तो लड़ाई होगा नहीं, कोई लड़ने के लिए सिट करे तो उसे टोको ही मत. व्हिच इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सिटी इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, टोक्यो. नेक्स्ट है व्हिच इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट सिटी इन टर्म्स ऑफ एरिया, अगेन सिट का सिटी का सिट कर दीजिए. तो बिगेस्ट सीट किसका होता है, क्वीन का, क्वीन का, किंग का सिंहासन होता है बहुत बड़ा सा, तो बिगेस्ट सीट होता है क्वीन का. और क्वीन क्या करती है, एश, ऑस्ट्रेलिया से बना दीजिए आप, AUS का एश, ठीक है, क्योंकि क्वींसलैंड है आपका ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है. तो बिग सीट, बिगेस्ट सीट होता है क्वीन का, और क्वीन करती है क्या, एश. व्हिच इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट सिटी इन टर्म्स ऑफ एरिया, क्वींसलैंड, ऑस्ट्रेलिया. नेक्स्ट है व्हिच इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, अगेन यहाँ लर्ड कर दीजिए, कौन, कौन ऐसे, ऐसा, ठीक है, आई हटा दीजिए, कौन ऐसा लड़ता है भाई, ठीक है, कौन ऐसा लड़ता है भाई, ऐसे कौन लड़ता है, ऐसे तो कोई नहीं लड़ता, ठीक है. व्हिच इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, एशिया. नेक्स्ट है व्हिच इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, अगेन कॉन्टिनेंट में हमेशा कौन याद रखिए, ठीक है, यहाँ से देखिए वर्ड मिल रहा है आपको मॉल, ठीक है, कौन से मॉल से उस तरह का ड्रेस लिया, कौन से मॉल से उस तरह का ड्रेस लिया, आप किसी से ऐसा पूछ रहे हो, ठीक है, उस तरह लिया से ऑस्ट्रेलिया. व्हिच इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, ऑस्ट्रेलिया. नेक्स्ट है व्हिच इज द लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, सबको पता है चाइना, ट्रिक की जरूरत नहीं है. नेक्स्ट है व्हिच इज द लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ एरिया, अगेन देखिए कॉन्टिनेंट का कौन लेते थे, कंट्री का कौन नहीं लीजिएगा, ठीक है. तो गेस्ट, अगर कोई गेस्ट आपके कंट्री में आए तो आप क्या देखते हो कि वो आपके कंट्री से रूस कर नहीं जाए, रूठना या रूसना, रूस कर नहीं जाए, खुशी खुशी जाए, ठीक है. Which is the largest country in terms of area is Russia. Next है, which is the largest dam in the world? ये देखिए, अगर अगर कोई guest आपके यहाँ आए, dam का कर दीजिए mad, पीछे से पढ़िए mad. तो guest mad कब हो जाएंगे? जब आप उनको जियो का recharge करके दोगे, ठीक है? और एक और condition में वो mad हो जाएंगे, जब आप उन्हें चाय के लिए नहीं पूछोगे. ऐसा होता है ना, किसी के घर जाओ अगर वो आपको चाय ना पूछे तो आप बाहर निकल के बोलते ना यार कैसे थे, चाय के लिए भी नहीं पूछा, ठीक है. तो चाय से अगेन आप चाइना बना दो, ठीक है. तो गेस्ट कब मैड हो जाएंगे, जब अपने जियो का रिचार्ज करके दोगे या फिर चाय के लिए नहीं पूछोगे, ठीक है. तो इससे आप याद रख सकते हो, द थ्री जॉर्जेस डैम है चाइना में, ठीक है. व्हिच इज द लार्जेस्ट डैम इन द वर्ल्ड, द थ्री जॉर्जेस डैम, चाइना. Which is the longest day in the world? When is the longest day in the world? Again, long का कर दीजिए log, ठीक है, n को हमेशा कट करिए. तो log के सिर में क्या होता है, जुए होती हैं. तो जू से याद रखिए आप जून. और longest day आप कैसे बिताएंगे, एक से अकेला याद रखिए, longest day अकेला तो नहीं, अकेले नहीं बिता सकते, तो दो दोस्त रहेंगे तो आराम से longest day कट जाएगा. So when is the longest day in the world? June 21. When is the shortest day in the world? देखिए, अगर डे शॉर्ट है तो वो क्या, देखते देखते निकल जाएगा, देखते देखते बाय बाय बोल के चला जाएगा. अगर शॉर्ट है कुछ तो देखते देखते चला जाएगा, देखते देखते, देखिए देख, देख से दिसंबर याद रखिए, देखते देखते बाय बाय, 22 होता है ना, इसको 22 बोलते हैं हिंदी में, बाय बाय, 22 से 22 याद रखिए, बोल के चला जाएगा. When is the shortest day in the world? December 22. Next है, which is the largest delta in the world? देखिए, दो फ्रेंड है, लड़ रहे हैं कि मेरा पिक डिलीट करो क्योंकि मैं उसमें सुंदर नहीं दिख रही हूँ. ऐसा होता होगा जनरली जब दो फ्रेंड सेल्फी ले रहे हो, अगर किसी का फोटो सुंदर नहीं आया तो आप इमीडिएटली बोलते हो ना डिलीट मारो इसको, तो आप क्या बोल, तो लड़ो मत, मैं डिलीट कर देती हूँ, ठीक है, सुंदर नहीं दिख रही हूँ तो मैं डिलीट कर देती हूँ. व्हिच इज द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड, सुंदरबन डेल्टा, ये है वेस्ट बंगाल में. नेक्स्ट है व्हिच इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, देखिए अगेन
गेस्ट, कोई गेस्ट अगर आपके देश में आए तब क्या करेंगे, उन्हें हार ऑफर करेंगे। ऑफर मैं क्यों यूज कर रही हूँ, अफ्रीका, सहारा डेजर्ट है आपका अफ्रीका में, ठीक है। तो यहां से आप पढ़ सकते हैं ऑफर, अफ्रीका का ऑफर कर दीजिए। तो विच इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, सहारा डेजर्ट अफ्रीका में। गेस्ट कोई देश में आए तो उसे हार ऑफर करना चाहिए। विच इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, सहारा अफ्रीका। विच इज द लार्जेस्ट डायमंड इन द वर्ल्ड, देखिए डाई, डाई मैं मंडे को करूंगी, कल नहीं करूंगी, ठीक है। मुझे हेयर को डाई मंडे को करना है, कल नहीं करूंगी। कल से कुलीन एंड वन याद रखे। विच इज द लार्जेस्ट डायमंड इन द वर्ल्ड, कुलीन एंड वन। नेक्स्ट है विच इज द लॉन्गेस्ट एपिक इन द वर्ल्ड, अगेन एन हटा दीजिए लोग, और यहां से याद रखिए पिक, लोग पिक किसके साथ लेते हैं, महान लोगों के साथ लेते हैं, ठीक है। किसी के साथ, किसी के भी साथ तो आप नहीं लेंगे, अरे गरे नथु के राह चलते। कोई एमिनेंट पर्सनालिटी होगा जिन्होंने कुछ अपने लिए नाम कमाया है, उसको महान काम किया होगा, तो लोग पिक महान लोगों के साथ लेना पसंद करते हैं, महान लोगों के साथ सेल्फी लेते हैं। लॉन्गेस्ट एपिक इन द वर्ल्ड, द महाभारत। नेक्स्ट है विच इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड, देखिए अगर आपके पास लार्जेस्ट पीस ऑफ लैंड हो, आइलैंड में लैंड याद रखिए, अगर आपके पास लार्जेस्ट पीस ऑफ लैंड हो तो आप उसमें ग्रीनरी उगाओ, वेजिटेबल्स उगाओ, ठीक है। किसी ने किसी को सलाह दिया कि अगर आपके पास लार्जेस्ट पीस ऑफ लैंड हो तो उसमें वेजिस उगाओ, ग्रीनरी उगाओ, वो क्या बोलेगा, ना ना मुझे नहीं उगाना, तो नाना से आप नैट याद रखिए, ठीक है, क्योंकि ग्रीनलैंड है न्यूनैट में, ठीक है, ग्रीनलैंड न्यूनैट। विच इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड, ग्रीनलैंड न्यूनैट। नेक्स्ट है विच इज द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक इन द वर्ल्ड, देखिए अगेन आरती, आरती पूजा, आरती किसका करते हैं हम लोग, भोलेनाथ का, यहाँ से आप याद रखिए भोलेनाथ, भोला भोलेनाथ, लेक वोल्टा, आरती किसकी करते हैं हम, करते हैं हम लोग भोलेनाथ की। विच इज द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक इन द वर्ल्ड, लेक वोल्टा। नेक्स्ट है विच इज द डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड, देखिए डी पी, तो अगर कोई बहुत लंबे समय से एक ही डीपी लगा के रखा था क्या उसको बोलेंगे, भाई भाई भाई, डीपी चेंज कर ले, पूरा रस्ट लग गया तेरी डीपी को, इतने दिन से रखा हुआ है, भाई डीपी चेंज कर ले। रस्ट मैंने क्यों यूज किया, क्योंकि एक बेकल है रशिया में, ठीक है, रशिया का रस्ट याद रखिए आप। ठीक है डीपी भाई चेंज कर लो, विच इज द डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड, लेक बाइकल रशिया। नेक्स्ट है विच इज द हाईएस्ट लेक इन द वर्ल्ड, देखिए हाई ला, हाई ला कौन इधर टट्टी कर दिया, यहाँ से टट्टी का टट्टी कर दीजिए, थोड़ा सा फनी है ये ट्रिक, हाई ला कौन इधर टट्टी कर दिया, ओके वॉशरूम जाना चाहिए था, हाई ला कौन इधर टट्टी कर दिया। विच इज द हाईएस्ट लेक इन द वर्ल्ड, लेक टिटिकाका। नेक्स्ट विच इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड, अगेन देखिए लर, या तो ट्रिक होगा गेस्ट से या तो होगा लड़ से, मैंने हर जगह ऐसे ट्रिक बनाया, तो लड़ो मत, तुम्हें ये सूप अच्छा नहीं लगा तो मैं अभी फिर से फ्रेश वाटर से तुम्हारे लिए सूप बना देती हूँ, सूप, ठीक है, लड़ो मत, मैं फिर से तुम्हारे लिए फ्रेश वाटर से अच्छा वाटर, पानी पहली बार शायद अच्छा ना हो इसीलिए सूप अच्छी नहीं बनी हूँ, तो लड़ो मत, मैं फिर से फ्रेश वाटर का सूप बना देती हूँ। सूप से याद रखिएगा आप सुपीरियर, लेक सुपीरियर, और लेक सुपीरियर कहाँ है, यूएसए में। ये यूएसए कैसे याद रखिएगा, देखिए सूप कैसा होता है टेस्ट में, तीखा, और अगर आप तीखा चीज खाएंगे तो क्या होगा, आपकी आंखों से आंसू निकलेगा, ठीक है, पीछे से पढ़िए आंसू, तो सूप अगर बहुत तीखा है तो आंखों से आंसू आएगा, लेक सुपीरियर है यूएसए में। Which is the largest freshwater lake in the world? Lake Superior in USA. Next, which is the largest saltwater lake in the world? देखिए तो बहुत सिंपल है, साल्ट वाटर कैसे पिए,
ठीक है, सॉल्ट वाटर तो कोई नहीं पी सकता है, ठीक है, यहाँ से आप कैसे पिए पर सकते हैं उसको, कैसे पिए? So which is the largest saltwater lake in the world? Caspian Sea. Next, which is the largest mosque in the world? देखिए अगेन लर, राजस में हमेशा लर या तो गेस्ट, लर क्यों रहे हो, आराम से बात करो, दूसरा क्या बोलेगा, ओके सॉरी, सॉरी मैं क्यों यूज कर रही हूँ, सॉरी है सऊदी अरेबिया का, सॉरी बना रही हूँ, सऊदी अरेबिया, ठीक है, तो यहां से आप सॉरी पढ़ सकते हो, सऊदी का सॉरी पढ़ सकते हैं, ठीक है, लर क्यों रहे हो, आराम से बात करो, तो सामने वाला बोलेगा ओके सॉरी, ठीक है, तो विच इज द लार्जेस्ट मॉस्क इन द वर्ल्ड, मस्जिद अल हराम सऊदी अरेबिया. नेक्स्ट है विच इज द नियरेस्ट प्लैनेट टू सन, ठीक है, अगर आपको नहीं याद है तो बहुतों को याद होगा आई गेस, देखिए सारे प्लैनेट्स का ये है ऑर्डर, एम वी, एम से मरकरी, देखिए पहले मैट्रिक बता देती हूँ, माई वेरी इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट ई से कर दिया है, माई वेरी इंटेलिजेंट मदर जस्ट शोड अस 9 प्लैनेट, याद रहेगा आपको, माई वेरी इंटेलिजेंट मदर जस्ट शोड अस 9 प्लैनेट, और ये एम क्या है, एम है आपका मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो, प्लूटो अब नहीं है लिस्ट में, ठीक है, प्लूटो नहीं है, तो नियरेस्ट प्लैनेट अब कंफ्यूजन होता है, एम से मरकरी है, एम से मार्स है, तो मरकरी आप कैसे याद रखेंगे, ठीक है, जो सन के नियरेस्ट है, अगर सन के नियरेस्ट जो होगा वो क्या होगा, मर जाएगा, सन के नियर अगर कोई जाएगा तो वो क्या होगा, मर जाएगा, तो मर से आप मरकरी याद रखिए, ठीक है, नियरेस्ट प्लैनेट है आपका मरकरी, This is the nearest planet to sun is Mercury. Next, which is the highest mountain peak in the world? देखिए, high, मैं हमेशा high का हायराम ही कर देती हूँ. High Ram Montu, mountain का Montu, हर जगह मैंने mountain का Montu किया हुआ है. तो High Ram Montu peak के अपना धर्म भ्रष्ट, यहाँ से भ्रष्ट कर सकते हैं. Peak के अपना धर्म भ्रष्ट कर लिया. एक पल के लिए नहीं सोचा पीने से पहले, ठीक है, पल क्यों यूज किया मैंने, देखिए नेपाल में है वर्ड पल, एवरेस्ट है आपका नेपाल में, ठीक है, पी के अपना धर्म भ्रष्ट कर लिया, एक पल के लिए नहीं सोचा, हायरा माउंटू पी के अपना धर्म भ्रष्ट कर लिया, एक पल के लिए नहीं सोचा, व्हिच इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड, एवरेस्ट नेपाल. नेक्स्ट है व्हिच इज द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, अगेन हाय राम मोंटू मेड हेम या रन हेम रन हाय राम मोंटू रन हेम अवे, क्योंकि मोंटू बहुत बदमाश हो गया इसलिए वो क्या किया, उसको भगा दिया. हाय राम मोंटू रन हेम अवे, हिम से आगे क्या, हिमालय, दिस इज द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, हिमालय. नेक्स्ट है व्हिच is the longest mountain range in the world, वो highest था, ये longest है, ठीक है, तो again मैंने जैसे बताया, n को cut कर दीजिए, log, longest का हमेशा log बना दीजिए, तो log और कौन, Montu and I ran in the race, race में किस किसने हिस्सा लिया था, कुछ लोगों ने लिया था, Montu ने लिया था, and मैंने रेस में हिस्सा लिया था, ठीक है, रैन इन द रेस, लोग मोंटू एंड आई रैन इन द रेस, एंड से एंड से याद रखिए आप, और एंड से आपका साउथ अमेरिका में, कैसे याद रखेंगे, एंड हटा दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, आदेश, तो आप किसी को क्या आदेश दोगे, कि शो मी, मुझे दिखाओ, अभी दिखाओ, मेरा आदेश है, दिखाओ मुझे, शो मी, साउथ अमेरिका का आप कर दीजिए शो मी, ठीक है, कुछ ज्यादा खास ट्रिक नहीं है, आई होप आपको याद रहेगा, याद रहेगा ही, ठीक है, साउथ का शो मी, मेरा आदेश है शो मी, व्हिच इज द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड एंड इज साउथ अमेरिका में. नेक्स्ट व्हिच इज द बिगेस्ट म्यूजियम इन द वर्ल्ड, देखिए लोग बिग मिस यूज,
ऐसे आप एक और बना दीजिए, मिस यूज। लोग बिग मिस यूज किस चीज का करते हैं, लव का, ठीक है, दूसरे के लव का नाजायज फायदा उठाते हैं, आजकल ऐसा ही है ना, ठीक है। बिग मिस यूज होता है लव का, और ये लोवर है आपका पेरिस में, तो कैसे याद रखेंगे, लव इन पेरिस मूवी है ये, लव इन पेरिस याद रखिए। व्हिच इज द बिगेस्ट म्यूजियम इन द वर्ल्ड, बिग मिस यूज, बिगेस्ट म्यूजियम इन द वर्ल्ड लोवर इन पेरिस। नेक्स्ट है व्हिच इज द टॉलेस्ट मीनार एट फ्री स्टैंडिंग इन द वर्ल्ड, देखिए टॉलेस्ट, वो एक फ्रेंड है जो दूसरे फ्रेंड से बोल रही है टॉलेस्ट मीना, टॉलेस्ट मीना रे कितनी क्यूट है अपने क्लास में, ऐसे आप याद रखिए वर्ड क्यूट, ठीक है, कौन क्यूट है, टॉलेस्ट मीना रे अपने क्लास में कितनी क्यूट है, ठीक है। व्हिच इज द टॉलेस्ट मीनार एट फ्री स्टैंडिंग इन द वर्ल्ड, कुतुब मीनार दिल्ली। व्हिच इज द डीपेस्ट एंड बिगेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, देखिए बिग डी, आपके घर में अगर कोई बिग डी है तो क्या वही ना खाना पकाएंगी, पैक से पकाना याद रखिए, बिग डी मेरे घर में खाना पकाती है, बिग डी। व्हिच इज द डीपेस्ट एंड बिगेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, पैसिफिक ओशन। व्हिच इज द लार्जेस्ट पेनिनसुला इन द वर्ल्ड, अगेन देखिए लार्जेस्ट कलर याद रखिए, क्यों लड़ रहे हो पेन के लिए, छोटे से पेन के लिए इतना क्यों लड़ रहे हो, ए रब उठा ले रे बाबा। व्हिच इज द लार्जेस्ट पेनिनसुला इन द वर्ल्ड, अरेबियन पेनिनसुला, क्यों लड़ रहे हो एक छोटे से पेन के लिए, ए रब हे भगवान, आप बोलते नहीं भगवान क्यों लड़ रहे हो छोटे से पेन के लिए, क्यों लड़ रहे हो छोटे से पेन के लिए, ए रब उठा ले रे बाबा, मेरे को नहीं रे इसको, चलिए डायलॉग है ये एक मूवी का, आपको पता होगा कौन सी मूवी का है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कौन सी मूवी है। नेक्स्ट है व्हिच इज द कोल्डेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड, देखिए यहाँ से कॉलेज, ये शॉर्ट फॉर्म है कॉलेज का, और ये है डेज, तो कॉलेज के डेज में सब क्या होते हैं, बॉस होते हैं, ठीक है। कोल्डेस्ट में याद रखिए आप कॉलेज डेज, साफ साफ दिख रहे हैं यहाँ पे, कॉलेज डेज, कॉलेज के डेज में सब होते हैं बॉस, बाकी सबको क्या समझते हैं एंड, सिटी के समान समझते हैं, बाकी सबको खुद को बॉस समझते हैं। व्हिच इज द कोल्डेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड, वोस्टोक स्टेशन अंटार्कटिका। नेक्स्ट है व्हिच इज द ड्राइस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड, यहाँ वर्ड बन रहा है रिस्ट, अगर आपका कोई रिस्ट पकड़ ले तो आपका क्या होगा, आधा मांझी सटकली हो जाएगा, यहाँ से याद रखिए आधा मांझी सटकली, और आप शाउट करोगे, शाउट से याद रखिए साउथ अमेरिका, ठीक है। ड्राइस्ट में बस रिस्ट याद रखिए, कोई रिस्ट पकड़े तो आपका क्या होगा, आधा मांझी सटकली हो जाएगा, आप शाउट करोगे। So this is the driest place in the world, Atacama, South America. So which is the largest planet? देखिए, लर्ने का प्लान हमेशा कौन बनाएगा, जो हमेशा पीटने का सोचेगा, जो हमेशा दूसरों को पीटने का सोचेगा वही हमेशा लर्ने का प्लान बनाएगा। So which is the largest planet? Jupiter. Which is the brightest and hottest planet? जो सन के सबसे क्लोजेस्ट होगा वही हॉटेस्ट होगा, और सन के क्लोजेस्ट है मरकरी, लेकिन मरकरी ब्राइटेस्ट एंड हॉटेस्ट नहीं है, ठीक है। ब्राइटेस्ट एंड हॉटेस्ट है आपका वीनस, मरकरी के बाद वीनस है, माय वेरी वेरी से वी, वी से वीनस, ठीक है। कैसे याद रखेंगे, मरकरी तो हॉट नहीं होगा, वीनस में एक वर्ड है नस, और नस में क्या दौड़ता है, हॉट ब्लड है ना, नस में दौड़ता है हॉट ब्लड, ठीक है, वहां से याद रखिएगा हॉटेस्ट। Venus is the brightest and hottest planet. Next, which planet is farthest from the sun? ठीक है, Neptune, Pluto तो अब है ही नहीं, ठीक है। तो last में my very intelligent mother just showed us 9 planet. Planet से Pluto था पीछे, तो बोलेंगे ये तो अभी last बचा क्या? N, N से Neptune. चलिए देखते हैं आपको याद हुआ ही नहीं, आप गेस करिए खुद से। व्हिच इज द बिगेस्ट बेल इन द वर्ल्ड, बिग बेल कब बजेगा तो सर चले जाएंगे, सार बेल, मॉस्को। व्हिच इज द फास्टेस्ट बर्ड, फास्ट दौड़ने के लिए चाहिए पेड़ से फल, पेरेग्रीन फाल्कन। व्हिच इज द लार्जेस्ट बर्ड, लार्जेस्ट बर्ड के लिए क्या करना पड़ेगा, कपड़ा स्टिच करना पड़ेगा, ऑस्ट्रिच। व्हिच इज द स्मॉलेस्ट बर्ड, स्मॉल बस बहुत क्यूट होती है तो हम भी रखेंगे, बी हमिंग बर्ड। व्हिच इज द लॉन्गेस्ट रेलवे ब्रिज, लोग ब्राइड के लिए वे क्यों बना, वे
क्यों बनाते हैं उसकी ग्रैंड एंट्री के लिए, और लोग बड़ी बड़ी राय क्यों देते हैं, राय देते हैं चाय पे। तो डैंगियन कुनशन ग्रैंड ब्रिज चाइना, दिस इज द हाईएस्ट सिटी इन द वर्ल्ड, हाई सिट व्हेन जाना है चाय पियोगे कुछ, हाईएस्ट तो वेंजुआन, व्हिच इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सिटी इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, कोई लड़ने के लिए सिट करे तो उसको टोको ही मत, व्हिच इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट सिटी, बिग सिट नेशन क्वीन का होता है वो ऐश करती, क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया, दिस इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, कौन ऐसे लड़ता है ऐसे से एशिया याद रखे, व्हिच इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, कौन से मॉल से उस तरह का ड्रेस लिया, ऑस्ट्रेलिया, व्हिच इज द लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, वी ऑल नो चाइना, व्हिच इज द लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ एरिया, ठीक है अगर कोई गेस्ट आपकी कंट्री को विजिट करे तो वो रूस के ना जाए, कुछ रूस से रशिया, व्हिच इज द लार्जेस्ट डैम इन द वर्ल्ड, गेस्ट मैड कब हो जाएंगे जब आप जियो का रिचार्ज करके देंगे या फिर चाय के नहीं पूछेंगे, चाय के लिए नहीं पूछेंगे, फ्री ट्रैवल डन चाइना, व्हिच इज द लॉन्गेस्ट डे इन द वर्ल्ड, लोगों के सिर में जाते हैं जू, और दिन अकेले नहीं कटेगा दो दोस्तों के साथ कटेगा, तो जून 21, व्हिच इज द शॉर्टेस्ट डे इन द वर्ल्ड, शॉर्टेस्ट डे तो देखते ही देखते निकल जाता है, देखते देखते बाय बाय बोल देता है, तो दिसंबर 22, व्हिच इज द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड, तो लड़ो मत डिलीट कर देती हूँ पिक सुंदर नहीं आई तो, सुंदरबन डेल्टा, व्हिच इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, अगर कोई गेस्ट आपके देश को विजिट करे तो आप उसे हार ऑफर करेंगे, तो सहारा अफ्रीका, व्हिच इज द लार्जेस्ट डायमंड इन द वर्ल्ड, डाई मैं मंडे को नहीं कल करूंगी, कल से कुलिनन वन, व्हिच इज द लॉन्गेस्ट एपिक, लोग पिक महान लोगों के साथ लेते हैं तो महाभारत, व्हिच इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड, लार्जेस्ट पीस ऑफ लैंड है तो उसमें ग्रीनरी उगाइए, तो बंदा क्या बोलेगा ना ना मुझे नहीं उगाना, ना ना नूनैट, ग्रीनलैंड नूनैट, व्हिच इज द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक इन द वर्ल्ड, आरती किसका होता है भोलेनाथ का, भोले से वोल्टा लेक वोल्टा, व्हिच इज द डीपेस्ट लेक, डीपी भाई चेंज कर लो रस्ट लग गया तो लेक बाइकल रशिया, व्हिच इज द हाईएस्ट लेक इन द वर्ल्ड, हाइला टटी कर दिया लेक टिटिकाका, व्हिच इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, लरो मैं फ्रेश वाटर का सूप ला रही हूँ, सूप बहुत तीखा तो आंखों से आ गया आंसू, आंसू यूएसए, लेक सुपीरियर यूएसए, व्हिच इज द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन द वर्ल्ड, सॉल्ट वाटर कैसे पिए, कैस्पियन सी, व्हिच इज द लार्जेस्ट मॉस्क इन द वर्ल्ड, लड़ क्यों रहे हो आराम से बात करो, तो सामने वाले ओके सॉरी, सऊदी अरेबिया, मस्जिद अल हराम सऊदी अरेबिया, व्हिच इज द नियरेस्ट प्लैनेट टू सन, नियरेस्ट मर ही जाएगा तो मरकरी, व्हिच इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड, हाई माउंटू पीक के अपना धर्म भ्रष्ट के लिए एक पल के लिए नहीं सोचा, एवरेस्ट नेपाल, व्हिच इज द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, हाई माउंटू रन हिम अवे, रन हिम से हिमालय, व्हिच इज द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, लोग माउंटू एंड आई रन इन द रेस, एंड से एंडस आदेश शो मी साउथ अमेरिका, एंडस साउथ अमेरिका, व्हिच इज द बिगेस्ट म्यूजियम इन द वर्ल्ड, बिग मिसयूज लव का होता है लोवर पेरिस, लव इन पेरिस, व्हिच इज द टॉलेस्ट मीनार एट फ्री स्टैंडिंग इन द वर्ल्ड, टॉलेस्ट मीनार है अफ्रीका से, कितनी क्यूट है, क्यूट से कुतुब मीनार, व्हिच इज द डीपेस्ट एंड बिगेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, बिग डी घर में खाना पकाती है, पैसिफिक ओशन, व्हिच इज द लार्जेस्ट पेनिनसुला इन द वर्ल्ड, लरो मत छोटे से पेन के लिए, लर क्यों रहे छोटे से पेन के लिए, ए रब बुढ़ा ले रहे मेरे को, अरेबियन सी, व्हिच इज द अरेबियन डेजर्ट, व्हिच इज द कोल्डेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड, कॉलेज के डेज में सब बॉस होता है सबको, एंड की तरह समझता है, वोस्टॉक स्टेशन अंटार्कटिका, व्हिच इज द ड्राइस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड, रिस्ट पकड़ ले तो आपका क्या आटा मांझी सटक ली, तो आप शाउट करोगे अटाकामा डेजर्ट साउथ अमेरिका, व्हिच इज द लार्जेस्ट प्लैनेट, जो लड़ने का प्लान कौन बनाएगा, जो पीटने का सोचेगा, जुपिटर, व्हिच इज द ब्राइटेस्ट हॉटेस्ट प्लैनेट, नस में हॉट ब्लड होता है तो वीनस, व्हिच इज द फादरेस्ट प्लैनेट, लास्ट नेपच्यून है, तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर बहुत अच्छी लगी हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, मिलते हैं अगली वीडियो में, अंटिल देन लव यू ऑल एंड बाय बाय।